ये वाला मनी प्लांट कितने छोटे छोटे लीव्स हैं, और ये ऊपर जाके देखो ये कितना बड़ा लीफ आ गया है। सारे छोटे हैं, ये टॉप मोस्ट वाला सबसे बड़ा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। बस अभी अभी मैं ये प्लांट ही देख रही थी और ये लीफ देखे मुझे इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा। नेचर के भी अलग ही रूप होते हैं, है ना। हर दिन नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है मॉर्निंग से ही। लास्ट 2-3 दिन से कंटिन्यूसली बारिश हुई जा रही थी। लाइक एक दिन 2 दिन अच्छा लगता है बारिश, पर जब कंटिन्यूसली होती रहती है ना कि आप घर से बिल्कुल बाहर निकल ही ना पाओ, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग लगता है। कल तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, इतनी तबीयत ख़राब लग रही थी सुबह से लेकर शाम तक, बस मैं लेटी ही रही। और जब घर का जो हेड होता है होम मेकर की, अगर तबीयत ख़राब हो गई, लाइक मॉमी लाइफ अगर चलते चलते रुक गई, तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। चारों तरफ कपड़े फैले हुए हैं, किचन फैला हुआ है, टॉयज हर तरफ, सब कुछ, पूरा घर लाइक मेसी है। बट मैंने भी ना छोड़ दिया है कि चलो ठीक है, आज भी मैं ब्रेक लूंगी और थोड़ा आज वेदर अच्छा है तो देखती हूँ कहीं जाएंगे, तो ब्रेक लेना ज़रूरी है। मॉर्निंग से ज़्यादा कुछ किया नहीं था, किचन अभी भी फैला हुआ है, पहले वो क्लीन कर लेती हूँ। पहले इनको ब्रेकफास्ट बना के दे दिया था और फिर मैंने नहा लिया। जब भी टायर्ड फील करो ना या लेज़ी लेज़ी फील करो, तो बेटर है कि आप नहा लो, तो उसके बाद थोड़ा बेटर लग रहा है। तो अब थोड़ा किचन क्लीन करके, और अगर बाहर जाना है तो लंच भी बना के जाऊंगी, क्योंकि वापस आने के बाद ना लंच बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, और ये लोग वॉक करके आते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो फटाफट से ना इंस्टेंट पॉट में क्विक वेजिटेबल पुलाव बनाऊंगी। राइस मैंने ऑलरेडी सोक करके रख दिया है, और जब भी ये क्विक फिक्स वाला बनाना होता है ना, तो इंस्टेंट पॉट मेरा बहुत काम आता है। आप लोग इसका साइज़ पूछते हो तो ये 3 क्वार्ट का है, इसका जो नेक्स्ट आता है वो 6 क्वार्ट का होता है, बट हमारी फैमिली के लिए 3 क्वार्ट इज़ द बेस्ट। पहले सॉटे ऑप्शन पे प्याज को, टमाटर और सारी सब्जियों को हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ मैं। मॉर्निंग में सनी था, अभी फिर से क्लाउडी हो गया है। अच्छे लग रहे हैं माउंटेन्स। गुड मॉर्निंग यशा। गुड मॉर्निंग। अभी हम जा रहे हैं एक पार्क में, वहाँ पे ट्रेल भी बना हुआ है तो वॉक भी कर सकते हैं और बच्चे प्ले भी कर सकते हैं। I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. Lot of place, chalo run karo, run run run. Where I go, and even though यहाँ पे ना 2 पार्क है, एक बेबन पार्क, एक बोवन पार्क, और मैं हमेशा इनके नाम में पहले कंफ्यूज हो जाती थी। कभी कहीं जाना होता था, कहीं चली जाती थी। यहाँ पे हम आए थे केयूष के प्री स्कूल का ना फील्ड ट्रिप था, पॉटरी क्लासेस मैंने ब्लॉग किया था, अगर आपने देखा। बहुत सुंदर पार्क है, बिग बिग ट्रीज हैं, और अभी वेदर भी बहुत अच्छा है, ना हवा चल रही है और ना धूप है, तो चलने के लिए बेस्ट है, वॉक के लिए बेस्ट है। और मूड कितना भी ख़राब हो ना, ऐसे आप खुली जगह पे आ जाओ, नेचर के पास आ जाओ ना, मन बिल्कुल अच्छा हो जाता है, शांत हो जाता है मन में, जितना भी तूफान चलता होता है ना सब शांत हो जाता है। हाँ, और बच्चे भी रन कर लेते हैं तो उनको अच्छा लगता है। चारों तरफ ग्रीनरी, चिड़ियों की ची 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 ची, बहुत सुंदर। और यहाँ पे ना एक रोज़ गार्डन टाइप्स बना हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल रोज़ेस हैं, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये सीज़न भी है ना, तो सारे रोज़ेस खिले खिले हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पे यहाँ पे ना गार्बेज बिन होता है, तो अच्छा है, क्लीनलीनेस इसीलिए मेंटेन करना इजी रहता है। ग्रीन के भी कितने डिफरेंट डिफरेंट शेड्स देखने को मिलते हैं ना, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, जैसे वाटर कलर करते टाइम हम डिफरेंट
कलर मिक्स करते हैं, ग्रीन में वाइट मिक्स करते हैं, सारे शेड्स यहाँ देखने को मिलते हैं। I still feel that I'm alone. गेट बना हुआ है, हम पहले कभी अंदर नहीं गए, बाहर से ही देखते थे। रोज गार्डन, चलो चंडीगढ़ का रोज गार्डन दिखाया था आपको, अब देखो कनाडा का रोज गार्डन। Stranded, I know how to handle it all on my own. On my own. कितनी अच्छी खुशबू है ना, बहुत अच्छी खुशबू है। और ये कलियां कितनी अच्छी लग रही है ना, अभी बस खिलने वाली हैं। जो हाइब्रिड वाले प्लांट होते हैं ना, वो देखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं, डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स के होते हैं, बट उतनी अच्छी खुशबू नहीं आती है। ये बिल्कुल नेचुरल है, तो खुशबू बहुत अच्छी है। लॉक कर दिया। केयूष, आपके फिंगर्स में क्या हुआ है, दिखाओ दिखाओ। कल येशा को नेल पेंट लगाना था, तो मैं और येशा नेल पेंट लगाए, तो केयूष को भी लगाना था। हाँ, but it's okay, little boys can have. हाँ चलो कोई बात। तो केयूष बोल रहा है कि अब मुझे क्या देख के सब हंसेंगे, तो येशा ने बोला तुम अपना हाथ हमेशा पॉकेट में रखना। पार्क ओपन तो हो गया, बच्चे हैं भी, बट हम अभी भी अवॉइड ही कर रहे हैं, क्योंकि वो स्विंग एंड ऑल क्लीन तो नहीं करते हैं ना एवरीडे, और वो लोहे का भी होता है, तो इसलिए इट्स नॉट सेफ। इसलिए बेटर है कि बस वॉक करो, खाली खाली जगह है, वॉकिंग इज बोरिंग, इतना अच्छा है। फ्रेश एयर लो, वॉक करो, नेचर को एंजॉय करो, और जब भूख लग जाए तो घर चले जाओ। गिलहरी एक, गिलहरी दो, गिलहरी स्क्विरल। एक गाना था ना, दीदी कितने गिलहरियां हुई। अरे बाप रे, कितना मोटू है ईशा, फिर वो भाग जाएगा डर के। तेल देखो कितनी बुशी है बिल्कुल। फॉल के टाइम पे ना ये जगह और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, सारे फॉल कलर्स आ जाते हैं ना, डिफरेंट कलर्स के लीव्स। चलो चले जंगलों के बीच। मशरूम है? नहीं, ये खाना नहीं चाहिए बेटा, ऐसे फॉरेस्ट में हमें पता नहीं है ना, यहाँ के लोगों को पता होता है पॉइजनस होते हैं, तो काफी सारे लीव्स ट्रीज सब पॉइजनस भी होते हैं। ऐसी जगह पे तो अकेले नहीं आ सकते, और रात को नहीं आ सकते, सुबह सुबह ही आना सही है, और ग्रुप में आना सही है। जंगलों के बीच, हेड के ऊपर भी ना पूरे लीफ से ना छत बने हुए हैं। ये यहाँ पे एक डक पॉन्ड है, और थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वाटरफॉल भी है। हमने इन डक्स को बहुत खाना खिलाया हुआ है, बट इस बार ही खत्म हो गया। अभी डक्स का लंच टाइम चल रहा है। ये देखो स्क्विरल मजे से खाना खा रही है, डक भी आ गई। अरे पानी से निकल के आ गई खाना खाने। स्विमिंग कितना मिस कर रहे हो आप? ठीक है, जो है जितना मिल रहा है वही बहुत है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, जितना मिल रहा है वही बहुत है। लास्ट टाइम आए थे ना, तब वाटरफॉल इतना हैवी नहीं था, अभी रेनी सीजन है ना और काफ़ी बारिश हो रही है, तो वाटरफॉल बहुत हैवी है, और इसका साउंड ना इतना पीसफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
handle it on my own. साउंड इतना ज्यादा पीसफुल है ना, मन को बिल्कुल शांत शांत कर. हाय, इस वाले ट्री के रूट्स देखो, सारे ऊपर ऊपर से आके पूरा फैले हुए हैं. ये देखो है बाइक स्टैंड, बाइक लगा लो, अपने साथ लॉक लेके आओ, लॉक लगा लो और घूमो. ये क्या है? ये क्या है? स्नेल. स्नेल है. ये देखो स्नेल, बेरीज आना स्टार्ट हो गए हैं. धूप 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 खा लो, धूप खा लो, हम जादू बन जाएंगे धूप खा खा के. I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road. But even so, अभी ना इवनिंग टाइम हो गया है और आज संडे का ब्लॉग डालना था, मैंने वो भी नहीं डाला. पता नहीं लेट डालूंगी या नहीं डालू, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है आज का दिन कैसा जा रहा है. आज एक्चुअली ना सुबह सुबह उठते ही न्यूज़ मिली सुशांत राजपूत की, तो मैंने एक दो बारी शेयर किया है कि मेरा फेवरेट एक्टर है. इट्स नॉट दैट कि फेवरेट है या नहीं है, लाइक नॉर्मल डेथ हो ना सेलिब्रिटीज़ की, या फिर चलो जिसको आप जस्ट जानते हो, कोई क्लोज नहीं है, तो हाँ थोड़ा सा बुरा लगता है और फिर आप नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाते हो, लाइक नॉर्मल हो जाते हो, विच इज़ क्वाइट नेचुरल. बट जब सुसाइड का सुनती हूँ ना, और इतना कम एज, और एक इंसान जो सक्सेसफुल भी है लाइफ में, घर है, पैसा है, सब कुछ है, इसकी क्या मेंटल कंडीशन होती है कि वो इतने एक्सट्रीम तक पहुँच जाता है. और जब भी इस तरह का कोई न्यूज़ सुनती हूँ ना, मुझे एक इंसिडेंस याद आ जाता है, जो कि लाइक जब हम 10th में थे, हमारे ग्रुप होता है ना जैसे आप जब स्कूल में होते हो, तो हमारा एक बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड था और बहुत हंसमुख, नाम नहीं लूंगी मैं, बहुत हंसमुख, बिल्कुल सचिन तेंदुलकर के जैसे लगता था, उसके भी कर्ली हेयर्स थे. तो हमेशा हंसते रहना और सबको हंसाना हमारे ग्रुप की लेके जैसे जान था वो. 10th का एग्जाम हुआ, रिजल्ट निकला, सब रिजल्ट के लिए एक दूसरे से पूछ रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, और फिर पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया है. फेल नहीं हुआ था, मार्क्स कम आए थे बस. तो हम सबकी इतनी बुरी हालत, जबकि हम तो बस दोस्त हैं यार, ठीक है एक दिन बुरा लगेगा, हफ्ता, 10 दिन, एक महीना, फिर हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है. बट पेरेंट्स, पेरेंट्स का क्या हाल होता है यार, मतलब क्या चलता होगा उनके दिमाग में कि मेरे बच्चे ने मुझसे बात तक नहीं करी, कि उसके मन में ऐसा क्या चल रहा था. और ऐसे कितने केसेस होते हैं, बच्चों के तो इतने सारे केसेस होते हैं, एंड इट्स, ये किसी भी पेरेंट के लिए ये कितना डिफिकल्ट होता है ना, हम और आप शायद कभी भी नहीं समझ सकते. और जो ये करता है उसके लिए सिचुएशन कैसी होती होगी यार, मतलब कितना एक्सट्रीम होता होगा कि वो लड़ ही नहीं पाया जो भी सिचुएशन था उससे, और वो इतना ड्रास्टिक स्टेप लेता है अपनी लाइफ में. और इस कोविड के कारण ना कितने ही लोग इस डिप्रेशन से गो थ्रू हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो काफ़ी हेल्पलाइंस चल रही हैं कि जो भी डिप्रेस्ड हैं, जो भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, वो बात कर सकते हैं. और कभी कभी होता है कि आप ना अपने लोगों से, फ्रेंड्स से बात नहीं कर पाते हो, बट स्ट्रेंजर से बोल लेते हो, शेयर कर लेते हो जो भी आपके अंदर
चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद वो आपको जज नहीं करेगा, और हमारे अपने शायद कहीं ना कहीं हमें जज कर लेते हैं कभी कभी। एक्चुअली शायद हमारे अपने हमारे अंदर की बात को ना समझ नहीं पाते, और हर एक इंसान का ना अलग नेचर होता है, हर कोई ना अपनी बात बोल के नहीं समझा पाता। कुछ लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने अंदर ही रखते हैं अपनी बातों को और नहीं बोल पाते हैं। तो क्या बोलूँ मैं कोई यहाँ पे ज्ञान नहीं देना चाहती, बस इतना ही बोलूँगी कि कोई भी आपके मन में कोई थॉट चल रहा है, आप किसी भी वजह से लो फील कर रहे हो ना, क्योंकि ये जो डिप्रेशन ये शुरू होता है छोटी छोटी चीज़ों से, जब हम उसको अपने अंदर दबा के रखते हैं ना, जब नहीं शेयर करते किसी से, जब नहीं निकालते हम अपने उस चीज़ को अपने अंदर से, तब वो भर भर के वो एक बड़ा लाइक एक पत्थर बन जाता है जो हमारे दिल पे होता है, वो चीज़ हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। तो हाँ, बस वही है कि बात करो, और अगर नहीं बात कर सकते हो, बहुत लोग होते हैं जो बात नहीं कर पाते हैं, मैं भी उन लोगों में से हूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो मैं अपने आप से बात करती हूँ, या फिर जो भी उस सुपर पावर पे मैं बिलीव करती हूँ, जिनकी भी पूजा करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, या फिर लिख लेती हूँ अपने अंदर जो भी चल रहा है ना, सारे पेपर पे निकाल के उसको निकाल दो अपने अंदर से, अपने सिस्टम से जस्ट फ्लैश आउट कर दो। जब तक करोगे नहीं वो आपके अंदर इकट्ठा होता रहेगा। चलो मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बट जस्ट मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ, और कोई भी कहीं भी ये सुन रहा है और उसे हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ बात करो, किसी से भी करो, पर करो। कहते हैं ना, जिंदगी तो चलती रहती है, किसी के लिए नहीं थमती, तो शो मस्ट गो ऑन, लाइफ गोज ऑन। चलिए, अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे हैप्पी होम का हिस्सा बन जाइए। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। होप आप लोगों को आज का नेचर वॉक अच्छा लगा होगा, आपने इंजॉय किया होगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज। I have